बीते दिन खौफनाक भूकंप आया था, जो जहां था वहीं सहम गया या वहां से भाग निकला। ऑफिसों से लोग भागे, घर से भागे, खुले या सड़कों पर जमा हो गए। लोगों की आंखों में खौफ था, हर कोई डर के माहौल में था। इस भयानक भूकंप का केंद्र नेपाल था। भूकंप के झटके दिल्ली NCR, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में महसूस किए गए। कई राज्यों के लोगों को दहलाने के बाद भूकंप ने नेपाल में भारी तबाही मचाई है। एक घंटे के भीतर 4 बार धरती हिली, इसकी वजह से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। भूकंप का असर नेपाल के बझांग चैनपुर में ज्यादा देखा गया है। नेपाल में भूकंप के बाद काफी नुकसान हुआ है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बयान कर रही हैं कि भूकंप ने कितना नुकसान पहुंचाया है। हालांकि लोगों को हुए नुकसान के बारे में सही सही अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन उन्हें भारी नुकसान से दो चार होना पड़ा है। नेपाल के भूकंप विभाग के मुताबिक नेपाल में भूकंप के 2 नहीं बल्कि 4 झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता भी अलग अलग थी। पहला झटका 4.0 से अधिक था, दूसरे की तीव्रता तकरीबन 2.7 थी, तीसरे की तीव्रता 5.3 और चौथा झटका 6.3 मैग्नीट्यूड रहा। इस वजह से नेपाल में भूस्खलन और मकान गिरने और दरकने की घटनाएं हुई। हालांकि दिल्ली NCR तक इनमें से सिर्फ 2 ही झटकों का कंपन महसूस किया गया। भूकंप की वजह से आने वाले रास्तों पर भी फर्क पड़ा है। भूकंप की वजह से भारी भूस्खलन की खबरें हैं। इसके चपेट में 2 लोग आए जिन्हें चोटें आई हैं। इसके अलावा आवाजाही पर भी इसका असर पड़ा है। बझांग को कैलानी से जोड़ने वाली सड़क रुक गई है। BBC की खबर के मुताबिक खोरपे से चैनपुर खंड की तरफ जाने वाली सड़क भी इससे प्रभावित हुई है, जिसे खोलने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा स्कूल भवन, वार्ड कार्यालय भवन और कई घरों में दरारें आई हैं। कुछ घर गिरे भी हैं। भूकंप इतना तेज था कि पत्थर गिरने से कुछ मवेशियों के भी मरने की खबर है। फिलहाल सबकी जानकारी जुटाई जा रही है। नेपाल में आए भूकंप से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। फिलहाल ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि नेपाल के किन क्षेत्रों में भूकंप से नुकसान पहुंचा और वहां कितना नुकसान हुआ है। अब ये जान लेते हैं कि बार बार क्यों आता है भूकंप। पृथ्वी के अंदर 7 प्लेट्स हैं जो लगातार घूम रही हैं। जहां ये प्लेट्स ज़्यादा टकराती हैं वो जोन फ्लॉट लाइन कहलाता है। बार बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते हैं। जब ज़्यादा दबाव बनता है तो प्लेट्स टूटने लगती हैं, नीचे की एनर्जी बाहर आने का रास्ता खोजती हैं। डिस्टर्बेंस के बाद भूकंप आता है, इन्हें टेक्टोनिक्स प्लेट्स कहते हैं। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।